दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का लालटेन भोजपुरी चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों आप लोगों का ही कुछ सवाल है मेरे ही पिछले वीडियो में, जो कि मैंने श्याम देहाती जी वाले वीडियो को बनाया था, उसके कमेंट सेक्शन में मैं ज़्यादातर सवाल जो देख रहा हूँ उसमें आप लोगों के ही सवाल हैं कि क्या खेसारी लाल यादव पब्लिसिटी करते हैं, खेसारी लाल यादव दिखावा करते हैं, और क्या था, हाँ एक और था सवाल उसमें कि खेसारी लाल यादव वादा करके भूल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, बात कुछ ऐसा है कि जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो थोड़ा सा जज्बाती होते हैं, और जो लोग जज्बाती होते हैं वो पास्ट को नहीं देखते और ना ही फ्यूचर को देखते हैं, वो प्रेजेंट के करेंट सिचुएशन को देखकर अपना जो भी बोलना होता है बोल जाते हैं। और खेसारी लाल यादव इंटरव्यू में भी कहते हैं कि मैं दिल से बोलता हूँ, जो बोलता हूँ मैं कॉपी पे लिख के पेज पे लिख के नहीं बोलता, जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। और इस वजह से खेसारी लाल यादव अक्सर वो सब कुछ वादे कर जाते हैं, हालांकि उस वादों पे कितना खड़ा उतरते हैं ये तो फ्यूचर बताता है खेसारी लाल यादव का, जो कि जिन कारणों की वजह से आज खेसारी लाल यादव पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जो भी प्रेजेंट में बोल जाते हैं वो दिल से बोलते हैं, और जज्बाती लोग थोड़ा सा फ्यूचर को देख कर नहीं बोलते हैं। हालाँकि हर चीज़ से खेसारी लाल यादव पीछे नहीं हटते। अब देखिए, गरीबों का मदद करना है तो एक बार करना है, हो गया, वो करंट सिचुएशन के हिसाब से कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ को पूरा करना है, तो खेसारी लाल यादव पूरा कर दिए। लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, जो फ्यूचर में हमेशा के लिए करना है, उन सारी चीज़ों को जब खेसारी लाल यादव एडॉप्ट कर लेते हैं तो उन सारी चीज़ों को खेसारी लाल यादव को फॉलो करना चाहिए। हालाँकि श्याम देहाती जी के समय में कोरोना का टाइम था, उसमें खेसारी लाल यादव ने पर्सनली कोई वादा पब्लिकली नहीं किया था। आप लोगों ने खेसारी लाल यादव के मुँह से नहीं सुना होगा, जो भी कुछ सुना होगा वो टीम के द्वारा ही सुना होगा कि ये किया गया वो किया गया, जैसे कि वो उनके रेंट को भरा गया था, जैसे कि उनकी वाइफ भी बोल रही थी, तो वो सब कुछ किया गया था उस समय। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि हाँ पूरी लाइफ उनके फैमिली को और सब कुछ किया जाएगा। लेकिन फिर भी अब खेसारी लाल यादव की टीम में सब कुछ चल रहा है और मदद किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि खेसारी लाल यादव आगे आएंगे ही, और भाईचारा का बात भी है। लेकिन ऐसा आप लोग खेसारी लाल यादव को मतलब ही नहीं बोलिए, दिखावा करते हैं ऐसा कुछ नहीं बोलिए। प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हमेशा खेसारी लाल यादव अपने बातों पे खड़ा उतरते हैं, ये फ्यूचर वाली चीज़ें पे थोड़ा सा काम में व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा है, और मैनेजर भी उनका अप डाउन होते रहता है, देखते ही आप लोग, दो तीन आदमी मिल के काम को संभालता है, पटना में कोई और मुंबई में कोई और, तो इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है। बाकी आप लोग गलत सलत कुछ नहीं बोलिए, और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।